नमस्ते, कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं आज कितना ज्यादा स्नो हो रहा है यहाँ पे। हार्डली दो दिन हो गए हैं, दो दिन में बहुत ज्यादा स्नो यहाँ पे हुई है। तो सोचा चलो आज थोड़ी सी फुटेज बना लूं। तो मैं आज अपनी कैंपर के पास आया हूँ, तो दिखाता हूँ। ये दो तीन दिन से कैंपर बंद पड़ी हुई है, तो बर्फ भी बहुत हो रही है। तो मैंने सोचा शायद ये रोड जो हमारा है शायद थोड़ा सा क्लोज हो जाएगा, तो सोचा कि कैंपर को निकाल देते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि 4x4 कैंपर बर्फ में कैसी चलती है। तो चलो आपको दिखाते हैं। तो ये रही हमारी कैंपर, दो तीन दिन से ये बंद पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इस पे बर्फ़ है, कितना ज़्यादा इस पे स्नो है। तो आज मैं आपको, ये हार्डली दो या तीन दिन हो गए है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ देखो कोई फुट के वो भी नहीं है। तो दो या तीन दिन हो गए हैं और कैंपर बंद पड़ी है। मैं आज आपको इसका ना कोल्ड स्टार्ट करके भी बताता हूँ कि कोल्ड स्टार्ट में कितना ये होता है। जैसे आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी, इसके ऊपर हार्डली कम से कम एक फिट स्नो तो हो ही गई होगी अब लगभग ये। तो आज मैं इसको आपका कोल्ड स्टार्ट करके बताऊंगा कि कैंपर कोल्ड स्टार्ट कैसी होती है और ये बर्फ में कैसे परफॉर्म करेगी। तो ये आप ऐसा सोच सकते हो कि ये कैंपर का ना फर्स्ट टाइम ये है, मतलब कैंपर का फर्स्ट स्नो है ये। कैंपर अब ये जो है फर्स्ट स्नो देख रही है। कुछ ऐसी है हमारी कैंपर। चलो मैं आपको इसके आज कोल्ड स्टार्ट दिखाता हूँ कि बर्फ में कोल्ड स्टार्ट इसका कैसे होता है। जैसे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे। पहले इसकी थोड़ी सी बर्फ साफ कर लेता हूँ और अंदर देख सकते हो मिरर बिल्कुल इसमें बर्फ ही बर्फ हो गई है। तो इसका मैं आपको कोल्ड स्टार्ट करके पहले बताता हूँ कि कोल्ड स्टार्ट इसमें कैसे होता है। तो टैकोमीटर आप देख सकते हैं इसका, तो इसमें टेम्परेचर तो ये शो नहीं करता है। तो इसका कोल्ड स्टार्ट देखा कितनी लंबी शेल्फ इस गाड़ी ने उठाई। ये ठंड की वजह से होता है, जो यहाँ पे जो इतनी ठंड है ना, आप खुद देख सकते हो कि वॉइस पे आई गई होगी कितनी लंबी इसने शेल्फ उठाई है गाड़ी ने। तो ये होता है इसका कोल्ड स्टार्ट। अगर मैं इसको कंटिन्यूटी में अगर मैं इसको बंद कर देता ना, जैसे एक सेल्फ मारी और इसको बंद कर देता, तो फिर इसकी बैटरी में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती। फिर जब मैं सेकंड सेल्फ मारता हूँ शायद ये फिर स्टार्ट भी ना होती। तो चलिए कोल्ड स्टार्ट हो गई, मैं इसको आपको वॉक अराउंड करवा देता हूँ। तो ये कोल्ड स्टार्ट आपने देखा, मैंने कितनी लंबी ये कोल्ड स्टार्ट हुई, बहुत लंबी सेल्फ इसने उठाई गाड़ी ने। मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि इतनी लंबी ये सेल्फ उठाएगी। तो ये कुछ इस तरह से हमारी कैंपर। आज मैं आपको इसका बताऊंगा कि ये बर्फ में कैसे चलती है, 4x4 की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, क्या होता है। तो ये राज अब ये पूरी गाड़ी यही साफ करेगा। तो कुछ इस तरह का ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कि बर्फ में कब इसकी 4x4 की जरूरत पड़ती है और कितना होता है। कम से कम 1.5 फीट बर्फ है ये, 1.5 फीट बर्फ है। तो लगभग हाँ एक फिट, 1.5 फीट के करीब करीब बर्फ है। तो देखते हैं इस पे कैंपर कैसे परफॉर्म करती है। ये स्लिप मार रही है बर्फ में, कितने ज्यादा स्लिप ये कर रही है गाड़ी में।
बहुत स्ट्रगल कर रही है। कैंपर में राज है और हुडी भी साथ में ही है, तो हम सारे जा रहे हैं, थोड़ा गाड़ी को वहाँ पे क्रॉस करवा देते हैं। तो 4x4 मैंने लगा लिया इसका, ये 4x4 और ये मैंने फर्स्ट गियर इसमें डाल दिया। तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको फिर ये कैसे निकलती है बाहर। बहुत अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है गाड़ी, नहीं चल रही है, आइस बन गई है, ऊपर से तो ये आइस है पर नीचे ये ब्लैक आइस हो गया है। तो 4x4 भी लगा के देख लिया, लास्ट अटेम्प्ट है, राज गाड़ी चला रहा है, देखते हैं चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है। भाई बहुत मुश्किल होती है बर्फ़ में, बहुत स्ट्रगल करती है गाड़ी बर्फ़ में, ये देखने के लिए बर्फ़ आसान होती है लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम करती है। गुड 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 वेरी गुड। भाई 4x4 लगा लिया, दो अटेम्प्ट दिए, तीसरे अटेम्प्ट में चढ़ गई। आगे भी रोड खराब है, बहुत खराब है, तो आगे का भी आपको दिखा दें कि किस तरह गाड़ी निकलती है नहीं निकलती है। प्रॉब्लम बर्फ में ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि आइस बन जाती है, ब्लैक आइस जहाँ पे हो दिक्कत बहुत करती है। तो चलो फिर आगे मैं आपको और दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ गाड़ी को कितना कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आइए मेरे साथ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं चली हुई है, कोई भी गाड़ी नहीं चली, ये बर्फ है, बर्फ के नीचे ब्लैक आइस बन गई है, जैसे ये देख सकते हो ना, ये सारी ब्लैक आइस बन गई है, पूरी की पूरी ब्लैक आइस हो गई है, तब गाड़ी को थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है करने में। वो देखो कैसे हमारी कैंपर डांस कर रही है। देख लो 4x4 का किस तरह 4x4 काम करता है, इसके दोनों डिफरेंशियल काम करते हैं गाड़ी के। पर बर्फ भी इतनी ज्यादा है, कैंपर भी बेचारी करे तो करे क्या, ये भी क्या करे। और यहाँ देखो, ये देखो इतनी खाई बना दी गाड़ी ने। बस ही ऐसी आगे पीछे करके ना निकालनी पड़ती है गाड़ी, फिर जाके निकलती है गाड़ी। ये देखो पूरी की पूरी आइस हो गई है इस पे, पूरे का पूरा मतलब
टायर जो है ना पूरे का पूरा कवर्ड है, आप देखते हो इतनी बर्फ है कि चेस्सी पे भी इसकी बर्फ लग रही है नीचे नजर आएगी। ये देखो इसका डिफरेंशियल, ये डिफरेंशियल में पूरी की पूरी बर्फ हो गई। बर्फ भी लगी हुई है, जोरों से लगी हुई है, वो अमेजिंग। मैं बोलूं कैंपर जो है ना ये पहाड़ों की रानी है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ना ही आओ तो ज़्यादा अच्छा है, 4x4 गाड़ी हो खुशी खुशी आओ, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अगर यहाँ पे 2x2 गाड़ी होती तो इम्पॉसिबल था चलना, 4x4 है तब करके गाड़ी। फिर भी आपने जैसे देखा कितनी स्ट्रगल कर रही है गाड़ी, बहुत ज़्यादा गाड़ी स्ट्रगल कर रही है चलने में। और जैसे इसके टायर है ना, टायर ये लग रहे हैं जैसे कि शोरूम से निकाले हैं अभी जाके। तो ये है रास्ता, देखो आगे आगे रास्ते में अभी तक कोई भी नहीं चला, सिर्फ लोगों ने चलने के लिए इतना सा रास्ता बनाया है, बस ये रास्ता है। अब इसके बाद कैंपर खुद अपना रास्ता बनाएगी। चल 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 चल, रुक मत, अब दे जाने जाने दे, सीधा जाने दे। बहुत ही मुश्किल से गाड़ी निकाली, सबसे खतरनाक पैच यही था इसका, 4x4 लगाया फिर भी काम नहीं किया, बहुत स्ट्रगल करके गाड़ी निकली। बस अब मेन पैच यही था, अब आगे इजी है, आगे इतना टफ नहीं। और आप देख सकते हैं कितनी बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज्यादा हाथ जो है ना ये पूरे सुन हो चुके हैं बुरी तरह से भी। तो चलो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं ना वो जो फंसी हुई है, तो अब यहाँ से गाड़ियाँ जेसीपी निकालेगी। बर्फ़ बहुत हो चुकी है, कम से कम ये 1.5 फीट के करीब बर्फ़ है, तो 1.5 फुट में तो लगा ही सकते हो अब अंदाज़ा, तो कहाँ से गाड़ियाँ चलेगी। अब जेसीपी आई है, जेसीपी यहाँ से कुछ ना कुछ करके गाड़ियाँ निकाल देगी। ये देख लो जो बोलते हैं ना कि जेसीबी चलती है, जेसीबी की खुद हालत ख़राब हो जाती है बेचारी की बर्फ़ में। ये देख लो, अब ये जैक लगाएगी खुद को, और खुद को जैक लगा के ये पीछे खींचेगी। ये देखो अब बेचारी जेसीबी भी नहीं चल रही है, तो फिर कारों का तो क्या ही होगा। Thank you.
अपडेट मारेगी नीचे से, फिर जाके कहीं गाड़ियां निकलेगी। भाई देख लो जेसीबी की भी खुद हालत खराब होगी इसकी भी। गाड़ी को निकालने के लिए इतना स्ट्रगल हो रहा है। देख लो भाई जो 2x2 गाड़ियाँ लेके आते हैं ना भाई, बहुत मुश्किल होता है, बहुत हैक्टिक होता है यहाँ पे गाड़ी आके लेना ना। गाड़ी नहीं चलती है भाई, नहीं चलती है। अब जेसीबी वाले भाई ने तो कर दी है थोड़ी सी साफ, अब उसके बाद देखते हैं चलेगी कि नहीं चलेगी ये गाड़ी। मैं तो अपनी कैंपर वहाँ पे छोड़ आया, पर अपनी बढ़िया रखी है साइड में लगा के। यहाँ तक हमने कैंपर पहुँचा दी बहुत ही मुश्किल से। आपने जैसे देखा होगा कि कितना हमने 4x4 लगा के स्ट्रगल करके गाड़ी को निकाल दिया, क्योंकि जो वहाँ से यहाँ तक का पैच है ना, जो पुलगा से बरशैनी तक का पैच है, ये बहुत ख़राब होता है। जो छोटी गाड़ियाँ होती है, जो 2x2 होती है, उसको लोग पहले ही निकाल देते हैं स्नोफॉल होने से पहले। तो हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो फिर आज हमने इसको निकाल दिया। मैं आपको इसका बताता हूँ कि आज मैंने इसका खुद, मतलब जो पहली बार 4x4 का इसका अच्छे से यूज़ किया। 4x4 इसका बहुत अच्छा है, पर थोड़ा सा इस पर केयरफुल रहना पड़ता है, जो इसकी ब्लैक आइस होती है, ब्लैक आइस से थोड़ा केयरफुल रह के, और जब गाड़ी चलाएं तो थोड़ी सी हल्के पैडल से चलाएं, मतलब कि जो एक्सीलेटर है वो ज़्यादा ना दे, आराम आराम से तो बड़े आसानी से पहुँच जाती है। बाकी कैंपर है पहाड़ों की रानी, हम इसी को बोल सकते हैं। मतलब कि अगर सोचो अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती, कभी कुछ आना पड़ता, तो ये देखो इसने वहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचा दिया आराम से। हम इसको यहाँ से आगे भी ले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों इसको आगे ऐसे स्ट्रगल करवाएं, अभी बर्फ़ भी हो रही है, कहीं जाना तो है नहीं यहाँ से। तो फिर हमने गाड़ी यहाँ पे लगा ली बस, फिर कल जब एक दो दिन में मौसम थोड़ा सा हो जाएगा, फिर यहाँ से निकाल लेंगे। हार्डली 5 मिनट का पैच है यहाँ से डैम तक का, तो वो कोई बड़ा ज़्यादा ये नहीं है। तो ये कैंपर है, बस हम यहाँ लगा के वापस जा रहे हैं। हाथ बहुत ठंडे हो चुके हैं, हालत ख़राब हो गई है। वीडियो बनाना बर्फ़ में, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बर्फ़ में वीडियो बनाना, हाथ हो जाते हैं बिल्कुल सुन्न। और कैंपर में मैं आपको एक बात बताऊँ, इस कैंपर में सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें यही लगा, ठंड के टाइम इसमें ना तो इस गाड़ी में ब्लोअर है ना हीटर है, कुछ भी इस गाड़ी में नहीं है। हीटर होता कम से कम हम हाथ तो गर्म कर सकते थे, इतनी बड़ी गाड़ी है, हीटर एसी नहीं देते। मैं मानता हूँ एसी नहीं है, चलो उसका एसी का नहीं होता, पर जो बंदा 4x4 लेता है, हम जैसा अगर वो बर्फ़ में चलाता है ना, तो विदाउट हीटर बहुत मुश्किल होता है। हाथों की हो गई है बुरी हालत हो गई है ना, यहाँ पे हम कहीं आग जला सकते हैं ना कुछ, हीटर दे देते कम से कम, हम अंदर बैठ के थोड़ा हीटर सेक लेते, कहीं फंस जाते तो कुछ सेफ्टी हो जाती है। बाकी कैंपर ऑल बहुत अच्छी है, नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ड्राइव इसका है, बहुत ही सही है। बट बर्फ़ में थोड़ा सा केयरफुल ऐसा रहे, स्किट का केयरफुल रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 4x4 तो हम लगा लेते हैं, अब पूरा गाड़ी भी हैंडल नहीं करती है, जो ड्राइव इस गाड़ी को खुद करता है, तो उसको इतना ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी बाहर जा रही है, अंदर है, एक्सीलेटर किस हिसाब का दे। इसलिए आए आराम से 4x4 गाड़ी लेके, जब भी ऐसे माउंटेन्स एरिया में आना हो तो आराम से आए 4x4 लेके आए, पर 4x4 के साथ साथ थोड़ा चलाने का ध्यान रखें। बस इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, तो अब चलते हैं वापस, हालत हो गई है ख़राब। अब जब नेक्स्ट अगली बार आएंगे तो आपको दिखाएंगे फिर, और आप देख सकते हो कितने ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई है।